नमस्कार, स्वागत है आपका स्वागत एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूँ रश्क गौरी। बेमेतरा की चलिए बात करते हैं। तो बेमेतरा के बीटीआई ग्राउंड में यातायात पुलिस, परिवहन विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाकर स्कूल वाहनों और परिचालकों की फिटनेस की जांच की, जिसमें कई निजी स्कूलों के 85 वाहनों की जांच की गई और चेकिंग के दौरान बसों में जाली बैठने की व्यवस्था, लाइसेंस चालकों की फिटनेस की जांच की गई है, जिसमें 59 बसों में खामियां पाई गई हैं। तो वहीं वाहन चालकों में 4 को हाई बीपी और 4 को नेत्र संबंधी बीमारी भी पाई गई, जिसे उचित इलाज कराने की इनको सलाह दी गई है और इस पर यातायात नियम के उल्लंघन संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई कर 91,600 रुपए का समन शुल्क वसूल किया गया है। लेकिन इस कार्रवाई ने गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि अगर रोजाना अनफिट बसों में स्कूल के बच्चे सफर कर रहे हैं तो उनकी सुरक्षा का दावा करने वाले स्कूल प्रबंधन ने क्या इंतजाम किए हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बेहद चिंता की ये बात है, लेकिन फिर भी प्रशासन तो यहाँ पे मुस्तैद नजर आ रहा है, लेकिन जो स्कूल है, स्कूल प्रबंधन, उसकी कार्यप्रणाली पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। तो बेमेतरा के बीटीआई ग्राउंड में यातायात पुलिस, परिवहन विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाकर स्कूल वाहनों और परिचालकों की फिटनेस की जांच की है, जिसमें निजी स्कूलों के 85 वाहनों की जांच की गई। चेकिंग के दौरान बसों में जाली बैठने की व्यवस्था, चालान, लाइसेंस और चालकों के फिटनेस की जांच की गई है। 4 लोगों को हाई बीपी और 4 को नेत्र संबंधी समस्या पाई गई है। उचित इलाज कराने की सलाह इनको दी गई। इस पर यातायात नियम के उल्लंघन संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई कर 91,600 रुपए का समन शुल्क भी वसूल किया गया है। लेकिन सवाल बड़ा है और बेहद लाजमी है कि रोजाना अनफिट बसों में स्कूल के बच्चे सफर कर रहे हैं तो इनकी सुरक्षा का जिम्मा आखिर किन पर, क्योंकि स्कूल प्रशासन तो दावे करता है